स्वागत है आपका आयुष्मान भव यूट्यूब चैनल पर और चाणक्य इंस्टीट्यूट बदायूं में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्णमाला परीक्षण। रीजनिंग का ये तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। देखिए, इस वर्णमाला परीक्षण में सबसे पहले हमें अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग क्या है, अल्फाबेट क्या है। देखिए, आपने कोडिंग डिकोडिंग में भी ये पढ़ा होगा और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्णमाला परीक्षण। इसमें देखिए, ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षरों में ए की वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, एन की 14, ओ की 15, पी की 16, ओ की 17, आर की 18, एस की 19 और टी की 20 और यू की 21, 22 की 22, वी की डब्ल्यू की 23 और एक्स की 24 और वाई की 25 और जेड की 26। देखिए, ये तो आपकी वैल्यू हो गई 1 से लेकर 26 तक, इनकी वैल्यू हो गई। और इसी को जब हम लिखते हैं विपरीत विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहां वैल्यू जेड की 1 हो जाती है और ए की वैल्यू यहां 26 हो जाती है। तो यहां बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यानी 26 इसकी हो गई, पर सॉरी 1 इसकी हो गई, वाई की 2, एक्स की 3, डब्ल्यू की 4, वी की 5 और यू की 6, टी की बी सॉरी टी की 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 और 26, ये इसकी वैल्यू हो गई। देखिए, हमें पढ़ना होता है, इसके अर्धांश का भी ज्ञान लेना होता है। तो ए से एम तक इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश, यानी कि फर्स्ट हाफ, और एन से जेड तक यानी कि द्वितीय अर्धांश, यानी कि सेकंड हाफ। यहां पर देखिए, यहां पर 1 से लेकर 13 तक होता है आपका पहला हाफ, यानी कि पहला अर्धांश, और 14 से लेकर 26 तक होता है आपका द्वितीय अर्धांश, यानी कि सेकंड हाफ। वही सेम यहां पर जेड से लेकर एन तक होता है आपका फर्स्ट हाफ, यानी कि 1 से लेकर 13 तक, यहां तक, और एम से लेकर ए तक होता है आपका सेकेंड हाफ, यानी कि 14 से लेकर 26 तक। क्लियर हो गया आपको? ये देखिए, यहां पर अर्धांशों को भी काउंट करते हैं, ए से लेकर एम तक, यहां तक क्या हो गया? पहला अर्धांश हो गया, और यहां से एन से जेड तक क्या हो गया? सेकेंड अर्धांश हो गया। ऐसे ही विपरीत विपरीत में क्या होता है? जेड से लेकर एन तक पहला अर्धांश हो गया और एम से लेकर ए तक दूसरा अर्धांश हो गया। तो दोनों अर्धांश क्लियर हो गए आपको? कॉमन सीरीज, विपरीत सीरीज क्लियर हो गई आपको? देखिए, अब इसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए, जब हम अपना अल्फाबेट के बारे में नॉलेज कर लेते हैं, इसके बाद हमें पता करना होता है दायां और बायां कहां से होता है। देखिए, कभी हमेशा जब कभी भी यहां से चलेंगे तो ये बायां कहलाएगा, और यहां से चलेंगे यहां से तो ये बायां कहलाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब जेड को हमने लिख दिया उल्टा तो वो दायां और दायां बदल देते हैं, तो यहां पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है आपको, बायां हमेशा यही होगा, अल्फाबेट कैसे भी हो, चाहे यहां जेड हो, चाहे यहां ए हो, या कोई भी कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, लेकिन बायां हमेशा इस साइड में ही होगा और दायां हमेशा यहां से होगा। ये दायां, यहां से दायां होगा, ये दायां।
ये दायां। क्लियर हो गया? तो यहां से चले तो बायां, वहां से चले तो दायां। बायां मतलब होता है लेफ्ट, और दायां मतलब, और दायां मतलब क्या होता है? राइट। राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से पांचवा अक्षर होगा 1 2 3 4 5, क्या होगा? ई होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जे होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? तो बाई होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 22 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐस होगा। तो यानी कि क्लियर हो गया, बायां चलेंगे यहां से और दायां चलेंगे इधर से। वही, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से क्या होगा? बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, वी होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा? एच होगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दे लीजिए यहां पर, जब कभी भी आपको क्या करना हो, एक स्टेप आगे बढ़ना हो, कैसे बढ़ना होगा एक स्टेप आगे, ध्यान से देखिए यहां पर। अगर क्वेश्चन में बायां का बायां, बायां का दायां, दायां का बायां या दायां का दायां आ जाए, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये आगे आप स्टेप में देखिए। देखिए यहां पर कंडीशन नंबर, कंडीशन आती है चार। पहला आता है बायां का बायां, पहली कंडीशन। दूसरी आती है बायां का दायां, तीसरी आती है दायां का दायां, चौथी आती है दायां का बायां। इन चार कंडीशन के अलावा इसमें और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ध्यान से देख लीजिए, जब भी दो बाएं हो तो बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, तो L माइनस L। जब भी बायां और दायां हो तो L प्लस R। जब भी दायां बायां हो, यानी दोनों R हो, तो R माइनस R और R प्लस L। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि क्वेश्चन में अगर पहले बायां दिया गया है तो काउंटिंग पहले बाएं से करेंगे, और क्वेश्चन में पहले दायां दायां दिया गया हो तो काउंटिंग पहले दाएं से करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से यहां पर, बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर निकालना है, तो बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो पांचवा अक्षर आपका होगा, देखिए यहां भी बायां है और यहां भी बायां है। जब दो चीजें सेम होती हैं, या तो दायां दायां सेम हो या बायां बायां सेम हो, तो हमेशा आप घटाएंगे। अगर विपरीत हैं, दायां बायां है या बायां दायां है, तो हमेशा आप जोड़ेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर दोनों बाएं हैं तो क्या करेंगे? घटाएंगे। देखिए दो एल हैं तो माइनस हुए, तो कितना है? दस है और पांच है, कितना हो गया? दस में से पांच गया, बचा पांच। और मैंने कहा था जो पहले दिया गया हो, काउंटिंग वहीं से करते हैं। अगर बाएं से दिया गया है तो काउंटिंग बाएं से करेंगे, अगर दाएं से दिया गया है तो काउंटिंग दाएं से करेंगे। तो पहले क्या दिया गया है? बायां। और बाएं से कितना देखना है हमें? पांच। पांच में क्या आता है? ई। तो आपका क्या आंसर हो गया? ई हो गया। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बाएं से दसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? अगर कंडीशन दी गई होगी कि विपरीत है, तब आप विपरीत देखोगे। विपरीत नहीं कहा गया है, विपरीत देखना तो क्या देखना है? तो सिंपल देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां पर समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए कंडीशन नंबर सेकेंड।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? सातवां अक्षर निकालना है। अब देखिए यहां बायां है यहां दायां है। जब मैंने कहा था जब बायां दायां होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बायां तो 10 और प्लस 7 कितने हो गए, 17। लेकिन अब 17 होगा, लेकिन काउंटिंग कहां से करेंगे, जो पहले दिया गया होगा। अब पहले क्या दिया गया है, बायां, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, बाएं से करेंगे। तो बाएं से 17 पे आपको अल्फाबेट याद थे, मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग में याद करवाए थे आपको। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, तो यहां पर आ गया क्यू। 17 पे क्या आया, क्यू आया। कोई डाउट, क्लियर हो रहा है पूरा? अब देखिए यहां पर, अब थर्ड स्टेप, ये वाला स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर कैसे क्या करना है, अब यहां कर दो दायां, दायां से दाएं दसवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? अब देखिए दाएं दसवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, तो देखिए कंडीशन चेंज हो गई। अब यहां पर क्या है, दोनों दाएं हैं। मैंने कहा था या तो दोनों बाएं हो या दोनों दाएं हो, तो हमेशा घटाएंगे। तो क्या किया हमने, 10 - 7 बचा 3। अब काउंटिंग कहां से करनी है, जो पहले दिया गया है दायां, तो काउंटिंग दाएं से करनी है। तो 1, 2, 3 कितना आ गया, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। क्लियर हो गया? अब मैंने कहा था कि अगर आपको उल्टे अक्षर के नहीं ज्ञात हो सकते हैं तो एक तरीका और है, बता देता हूं मैं आपको। यहां 3 आया है, अब काउंटिंग हमारी जेड से हो रही है, तो दायां जेड होता है। देखिए काउंटिंग कहीं भी, जेड कहीं भी लिखा हो, अगर काउंटिंग जेड से हो रही है तो आप क्या करोगे, तो जो भी वैल्यू आए 27 से घटा दो, 27 - 3 बचा 24, 24 पे क्या आता है, एक्स। तो आपको अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा? अब देखिए इसका फोर्थ स्टेप, यहां पर देखिए, यहां पर फोर्थ स्टेप है, यहां पर दाएं से आठवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर क्या होगा? अब देखिए यहां दायां है यहां बायां है, क्या करोगे, तो 8 + L करोगे, तो कितना हो गया, 8 + 9 बचे कितने हो गए, 17। अब 17 करना कहां से करना है, दाएं से। अब दाएं से हमें गिनती आती नहीं है, जेड से हमें गिनती हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 27 - 17 बचे 10। अब सीधी गिनती 10 पे क्या आता है, जे, जे आ गया। क्लियर, कोई डाउट? तो ये आपके सिंपल एबीसीडी में, सिंपल अल्फाबेट में ये 4 तरीके आपके हो गए हैं। अब देखिए हम तरीके पढ़ते हैं, अब तरीके पढ़ेंगे विपरीत के। तो यहां बात करते हैं विपरीत क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से। विपरीत में देखिए, यहां पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए, कंडीशन कैसी हो, विपरीत हो, तो बाएं से पहला वाला स्टेप देखिए, तो बाएं से नौवें अक्षर के बाएं दसवां, सॉरी पांचवा अक्षर क्या होगा, आप देखिए यहां बायां है यहां बायां है, दोनों क्या है, बाएं बाएं हैं। जब दोनों बाएं बाएं होते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, तो L माइनस L, तो 9 में से 5 गया बचा 4। लेकिन बाएं से करना है, कंडीशन विपरीत है, काउंटिंग कहां से होगी, जेड से होगी, और हमें जेड से एबीसीडी हमें आती नहीं है, तो क्यों, जेड विपरीत है ना, तो बायां यहां जेड से होगी ना काउंटिंग, विपरीत है तो जेड से काउंटिंग होगी, तो एबीसीडी हमें आती नहीं है, उल्टी आती नहीं है। तो क्या करेंगे, 27 - 4 बचा 23, और 23 पे आता है W, तो आपका क्या आ गया, W आ गया।
अब देखिए ध्यान से, यहां पर कंडीशन नंबर सेकंड, यहां कर दो दायां। देखिए बाएं से नौवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? कंडीशन होगी विपरीत। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो मैंने कहा था पहले बायां है फिर दायां है, तो नौ और पांच कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14 हो गए। अब गिनती कहां से गिननी है? बाएं से गिननी है। अब बाएं से आता है जेड और जेड से हमें गिनती नहीं आती है, तो हम क्या कर देंगे? 27 माइनस 14 बचे 13, और 13 में सिंबल पे आता है एम, तो आपका आंसर आ गया एम। कंडीशन कौन सी थी? विपरीत। अगर बाएं और दाएं आए तो बाएं दाएं क्या कर दिए हमने? जोड़ दिए। जब बायां दायां होगा तो जोड़ेंगे, बायां बायां होगा तो घटाएंगे, दायां दायां होगा तो घटाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? आगे देखिए। अब हाँ जी, अब देखिए यहां पर कंडीशन नंबर पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब कंडीशन नंबर तीसरी। दाएं से चौथे अक्षर के, सॉरी, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर क्या होगा? तो दो दाएं आ गए यहां पर, तो आर माइनस आर यानी कि 14 माइनस 10 बचे 4। अब विपरीत अक्षर है, दाएं से गिनना है, तो दाएं से तो हमें गिनती आती है, ए से गिनती हमें सब आती है, तो 14 पे 4 पे क्या आता है? 4 क्या आता है? डी। तो क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। क्लियर? ये सिंपल हो गया। आप तो पूरा नहीं, तो वो क्यों करेंगे हम? क्योंकि यहां तो विपरीत है और काउंटिंग ए से हो रही है। जब ए से काउंटिंग हो रही है तो सिंपल जो नंबर आती प्लस वैल्यू आती है वो वही लिख देते हैं। काउंटिंग जेड से होती है तो हम 27 को घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन। देखिए यहां पर, यहां कर दीजिए बायां। दाएं से विपरीत कंडीशन में दाएं से 14वें अक्षर के बाएं दसवां अक्षर क्या होगा? तो अब यहां दायां है यहां बायां है, तो दायां बायां क्या होता है? जुड़ जाता है, तो यहां होगा आर प्लस एल, तो 14 प्लस 10 कितना हो गया? 24। और काउंटिंग ऐसे ही होगी, 24 पे क्या आता है? एक्स। क्लियर? तो आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो गई, सिंपल में क्लियर हो गया और विपरीत में क्लियर हो गया। ठीक है, इनमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। अब तो कंडीशन क्या बनी? बायां माइनस बायां, बायां प्लस दायां, दायां माइनस दायां, दायां प्लस दायां प्लस बायां, तो यानी कि एल माइनस एल, एल प्लस आर, आर माइनस आर, आर प्लस एल। ये चार फॉर्मूले याद कर लीजिए, आप चार कंडीशन याद कर लीजिए, तो आपको सारा वर्णमाला परीक्षण में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखना ना भूलिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।